एवरीबॉडी, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे किसी ने पूछा है कि विवेक जी, व्हाई डू यू ऑलवेज कीप अटैकिंग द कम्युनिस्ट्स एंड द सो कॉल्ड अर्बन नैक्सल्स? वंडरफुल, मैं आपको बहुत अच्छा दिन भी है, बहुत अच्छा टाइम भी है। अगर आप जानते हो, दिवाली जो है वो असत्य के ऊपर सत्य की विजय का एक अवसर है। आज पूरे विश्व में जो है एक दो नैरेटिव्स की लड़ाई चल रही है कि किसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका जो इंटरप्रिटेशन है, किसका जो नैरेटिव है वो सही है और किसका गलत है। ये सही और गलत जो नैरेटिव्स हैं, ये एक जो सोसाइटी है, एक जो समाज है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है उस समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले मैं आपसे खुद ये चाहता हूं कि आप इस बात का सवाल खुद से करें, स्वयं से, कि विश्व की कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है जो सन 2019 में, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टीज एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की पार्ट है, सिर्फ भारत में। भारत में मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म मिलेगा, लेनिनिस्ट मिलेगा, माओइस्ट मिलेगा, और तो और आपको ऐसे नेता भी मिलेंगे जिनका नाम स्टालिन है। एक इतनी उदार डेमोक्रेसी, एक इतनी लिबरल डेमोक्रेसी में, जो हर धर्म, हर किस्म के लोग को अपना समावेश करके उनको साथ लेकर चलती है, वहां पे आप मुझे बताइए कि ये लिबरलिज्म की लड़ाई क्यों? एक राष्ट्र जिसने चार धर्मों को ईजाद किया हो, जहां पे तरह तरह की जातियां, तरह तरह के वर्ण, तरह तरह की मान्यताएं, खान पान, वेशभूषा, तरह तरह के भगवान, कम से कम हजारों लाखों भगवान इस देश में लोग मानते हैं, ऐसे राष्ट्र में आप मुझे बताइए सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की डिबेट क्यों? मैं बताता हूं क्यों। इसलिए कि जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू, वो सोवियत आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे। सोवियत आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो कि एक तरह से अगर आप देखें तो जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वन गॉड, वन बुक, वन डिक्टेट, वन डॉगमा एंड वेरी वेरी रिजिड सेट ऑफ रिचुअल्स को मानते हैं, कम्युनिज्म भी एक नया रिलीजन था जो कि वर्ल्ड वॉर के आसपास जिसने तेजी पकड़ी थी। नेहरू जी की जो सबसे बड़ी गलती थी, उनने गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, गांधी का जो मॉडल था, उसको उनने त्याग दिया। हालांकि सारी जिंदगी उनने गांधी की रोटियां सेकी, लेकिन गांधी जी के मॉडल को उनने त्याग दिया और बदले में उनने सोवियत, एक फेल्ड मॉडल को अपनाया, जो मॉडल खुद ही अपने आप, जो सन 1990 के आसपास अगर आप देखें, 90 के दशक में खुद ही टूट फूट के तितर बितर हो गया। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने जो नेहरू जी की जो एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, जिसके कारण भारत भुखमरी और इस बेहाल पे पहुंच गया था कि लोगों के लिए खाने के पैसे नहीं थे, शास्त्री जी को हफ्ते में एक दिन व्रत करने का ऐलान करना पड़ा था। भारत के जवान बुरी तरह से चाइना में हारे थे, उनकी दुर्दशा इसलिए हुई थी बिकॉज नेहरू जी हैड सेल्फ इम्पोज दिस डिफीट ऑन इंडिया। लेकिन आप जानते हैं शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, उनको बहुत रहस्यमय तरीके से उनको ताशकंद में रास्ते से हटा दिया गया। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो इंदिरा गांधी एक डम्ब डॉल की तरह से आई, जिनको कि एक गुड़िया भी बोला जाता था। उनकी इतनी वीक पोजीशन थी कि सपोर्ट के लिए उनको कम्युनिस्ट लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा, और उसके एवज में कम्युनिस्ट लोगों ने उनके साथ एक बार्टर डील की, और वो डील ये थी कि आप हमको पूरा का पूरा एजुकेशन, कल्चर और जितना भी इंफॉर्मेशन है वो दे दीजिए, और उसके बदले में हम आपको सपोर्ट करेंगे। प्रोफेसर नूरुल हसन उस वक्त भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो स्वयं कांग्रेसी होने के बावजूद एक कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे। इंदिरा गांधी ने केजीबी के इन्फ्लुएंस में, यह बात बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर, उनके कई सारे मिनिस्टर्स और तमाम कांग्रेसी लोग और कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो केजीबी के पेरोल पे थी, और केजीबी भारत को पूरी तरह से चला रहा था। वरना क्या कारण है एक नया राष्ट्र जिसने डेमोक्रेसी पाई हो, डेमोक्रेसी पाने के 20-30 साल के अंदर अंदर वहां पे रेड टेपिज्म, गवर्नमेंट कंट्रोल, रैशनिंग, ये सारी जो फीताशाही थी, एक तरह की अफसरशाही, ये सारी चालू हो गई, और जहां पे
सरकार को यूज करके भारत के जो असली जनमानस लोग थे उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, और इस तरह का करप्शन इस देश में घुस गया जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल से लेकर नीचे कांग्रेस के छोटे मोटे वर्कर्स तक जाता था। तो ये कम्युनिस्ट लोगों ने क्या किया, कम्युनिस्ट लोगों का ये रोल था, इनने दो चीज़ें की, एक भारत के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी वॉर चालू किया जो कि चाइना ने इनिशिएट किया, जिसको हम बोलते हैं नेक्सल वॉर। ये पूरा का पूरा नेक्सलिज्म चाइना का एक प्रॉक्सी वॉर है हमारे अगेंस्ट जो 50 साल से चल रहा है, ताकि भारत को किसी भी तरह से हर समय क्योस कॉन्फ्लिक्ट में रखा जाए ताकि भारत प्रगति ना कर सके। इसीलिए जितने भी राष्ट्रवादी लोग हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं या बड़े नेता बने हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण क्यों ना रहे हों, ऐसे हर राष्ट्रवादी नेता को आप देखिए एक बहुत ही डिजाइन तरीके से खत्म कर दिया गया अंटिल वी गॉट नरेंद्र मोदी एज अवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक तरफ नेक्सल प्रॉक्सी वॉर चालू किया गया जहां पे एक फेक नैरेटिव किया गया और उसके नाम पे बुरी तरह से हिंसा, और कम से कम अब कम हो गया है लेकिन एक वक्त था सन 2010 के आसपास 44% जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया था वो नक्सल के अंडर पूरी तरह से ग्रस्त था और तमाम लोगों के कत्ल दिन रात होते थे। सरकारी प्रॉपर्टी जो अभी भी जलाई जाती है, स्कूल कॉलेज रोड आप नाम लीजिए, प्रगति को पूरी तरह से रोक दिया गया था, और उस विषय में इंदिरा गांधी राजीव गांधी इनकी सरकारों ने भी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट लोगों के साथ इनकी एक डील थी। वो डील ये थी, हर कंट्री में एक मेन ग्रैंड नैरेटिव होता है। अगर आप अमेरिका जाएं तो आपको एक ग्रैंड नैरेटिव मिलेगा जो कैपिटलिज्म के बारे में, जो कि अमेरिका इज ग्रेट, वहां का हर आदमी जो है एक पेट्रियोटिज्म का एक ग्रैंड नैरेटिव है, दे से वी आर द नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड, हालांकि वो है नहीं, फिर भी वो एक नैरेटिव मेंटेन करते हैं पूरे वर्ल्ड में कि वी आर द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हर कंट्री, जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग को लेके, फ्रांस अपने कल्चर अपने लिटरेचर को लेके, हर कंट्री अपने किसी ना किसी ग्रैंड नैरेटिव को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करती है। लेकिन आप देखिए विश्व का सबसे विजडम वाला राष्ट्र जिसने पूरे दुनिया को एक अलग तरह की विजडम आर्ट लिटरेचर कल्चर डाइवर्सिटी, विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पे भारत जैसी डाइवर्सिटी हो, उसके बावजूद भारत का ग्रैंड नैरेटिव ये रहा एक पिछड़ा हुआ गरीब समाज जहां पे कास्ट के कारण लोग आपस में लड़ते रहते हैं, जहां सिर्फ राइट्स होती रहती हैं, जहां पे औरतों का कोई स्थान नहीं है, और एक झूठा नैरेटिव जो है हम लोगों को आत्मग्लानी से भर दिया और पूरे विश्व में हमारा इस तरह से बुरा प्रचार किया गया। ये कम्युनिस्ट लोगों, चूंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट लोग जब वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये कम्युनिस्ट लोग थे अपने को लिबरल बोल बोल के सारे मीडिया में घुस गए और तरह तरह के एनजीओज इंडिया में लाए, 10,000 एनजीओज इंडिया में लाके उनका एक ही काम था फाइंडिंग फॉल्ट्स, इंडिया के बारे में जो फॉल्ट लाइन्स हैं, मतलब जो हमारी कमजोरियाँ हैं उनको किसी तरह से एक मैग्नी जो एक बड़ा भोंपू होता है उसकी तरह से विश्व के सामने उनको एम्प्लीफाई किया जाए। हम इस नैरेटिव की लड़ाई में बुरी तरह से हार गए क्योंकि भारत का जो असली आदमी था, जो असली स्मॉल टाउन मिडिल क्लास किसान मजदूर टीचर्स के बेटे, ये सारे के सारे लोग जो थे वो अपने आप को पार्टीशन के लहूलुहान के बाद अपने आप को समर्थ बनाने में, इस राष्ट्र में एक तरह से इंजीनियर्स बनके डॉक्टर्स बनके टीचर्स बनके लॉयर्स बनके अपना योगदान देने में लगे थे। उस वक्त नेहरू जी के कारण पनपे हुए जमींदार, इंटेलेक्चुअल जमींदार, फाइनेंशियल जमींदार, इंडस्ट्रियलिस्ट जमींदार, सोशल जमींदार, हर तरह के जो जमींदार लोग थे इस देश में, उन लोगों ने जिनके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, बड़ी बड़ी कोठियां थी, जिनको इंदिरा गांधी ने पेट्रनाइज करके बड़े बड़े ओहदों में बैठाया था, इन सब लोगों ने हमारे देश के मीडिया को एजुकेशन को पूरी तरह से हथिया लिया और एक फेक नैरेटिव इनने क्रिएट किया भारत के अगेंस्ट। ये सब भारत के दुश्मन थे, और जो भारत के असली नेशनलिस्ट, भारत से प्रेम करने वाले, भारत के लिए जी जान देने वाले, अपना पसीना बहाने वाले लोग थे, वो लोग एक तरह के इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आत्मग्लानी में फंस गए। कितने दुख की बात है, आप खुद सोचिए कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, उनको इस देश में शर्म के कारण जीने का कोई मौका नहीं मिलता है, उनको इतना अपमानित किया जाता है, लेकिन जो अंग्रेजी बोलता है भले ही दो कौड़ी का मूर्ख आदमी हो उसको एक ओहदा मिलता है सोसाइटी में। क्यों ऐसा? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि
कि ये जो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोग हैं, जिनको बाद में मैंने रिसर्च करके पता लगाया कि ये फॉरेन फंडिंग में काम करते हैं, और एक्चुअली जो कहते हैं नेक्सलिज्म जंगल में, वो नेक्सलिज्म आज जंगल में नहीं है, जंगल में सिर्फ एक्सटॉर्शन होता है, ये लोग शहरों में ग्रैंड नैरेटिव क्रिएट करते हैं इंडिया और इंडियन सोसाइटी के अगेंस्ट, इसलिए मैंने उन्हें अर्बन नक्सल बोला। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से नैरेटिव क्रिएट करते हैं और कहाँ पे आप लोग हारे हुए हैं, और क्यों एक जो भारत से प्यार करने वाले, जो असली भारत की भूमि में पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनका नैरेटिव क्यों नहीं क्रिएट होता है। ये लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये फेक फैक्ट्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति, उसकी कोई भी चीज़ एक छोटी सी निकाल के टेढ़ा मेढ़ा करके उसको, ये एजुकेशन में चूंकि प्रोफेसर्स ये हैं, चूंकि सिलेबस ये लोग डिसाइड करते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, और जो नया बच्चा होता है उसको ऐसा लगेगा जैसे कि यही मेन नैरेटिव है। अकबर दी ग्रेट, आप मुझे बताइए हर्ष दी ग्रेट क्यों नहीं है, राजा भोज दी ग्रेट क्यों नहीं है, अकबर ने ऐसा किया जो ग्रेट हैं। राजा भोज ने ग्रामर में इतना काम किया, इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनके पास थी, उन्होंने पूरे भोपाल और भोजपुर के आसपास इतने तालाब बनाए कि आज भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। व्हाई इजंट ही ग्रेट, लोग जानते भी नहीं होंगे उनका नाम। हमारे यहाँ जब भी कुछ होता था हमेशा ताजमहल गिफ्ट में दिया जाता था, क्यों नहीं हम्पी, क्यों नहीं खजुराहो, भारत में क्यों नहीं कोणार्क। भारत में इतना ज़्यादा हेरिटेज और आर्किटेक्चर है, कभी किसी बच्चे को उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। मैंने जब फिल्म बनाई लाल बहादुर शास्त्री में, भारत के बच्चों को पता ही नहीं था कि लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। एक झूठा एजुकेशन पिछले 50-60 साल से हमको पढ़ा पढ़ा के ये बोल के कि आर्यन बाहर से आए थे, उसकी एक दूसरा काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों नहीं उस काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ाया जाता है एजुकेशन सिस्टम में। इन लोगों ने इस तरह से पूरे एजुकेशन में फेक एजुकेशन इंट्रोड्यूस करके हमारी पूरी की पूरी जनरेशंस को इतना पॉइजन इस कंट्री के आगे के लिए भरा है दिमाग में, कि हमारी आधे से अधिक बच्चे जब पढ़ने के बाद ऑल दे वांटेड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उनको इस देश में प्राइड ही नहीं था, उनको लगता था जैसे गलत देश में पढ़ रहे हैं। जब पढ़ाने वाला ही गलत होगा, जब डॉक्टर ही अपने आप में आपको विष देगा, तो आपका इलाज होगा कैसे। दूसरा फेक डेटा, कास्ट इक्वेशन के ऊपर फेक डेटा, हर चीज में फेक डेटा दे दे के हमको ये बताया गया कि हम लोग सही नहीं है, हमारी सोसाइटी के साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा कौन सा दुनिया में राष्ट्र है जिसमें कुछ कमियां नहीं होती और जिसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। आज जितने एनजीओज इंडिया में हैं, उतने ही एनजीओज अगर इंडियंस जाके अमेरिका में स्टैब्लिश कर दें, तो आपको समझ में आएगा अमेरिका दुनिया की सबसे बेकार कंट्री है। दिस इज ऑल अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स। तीसरी चीज आर्टिकल्स, पहले फेक रिसर्च, फेक एजुकेशन, फेक डेटा, और फेक मतलब उसका मिस इंटरप्रिटेशन, उसको घुमा फिरा के कोई और मतलब निकालना। उसके बाद ये आर्टिकल्स इन्हीं के लोग हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट जैसी जगह पे जाके, या न्यूयॉर्क टाइम्स में, या गार्जियन में, या फॉरेन के कई सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वहाँ पे अपने पेपर्स छपवाएंगे, आर्टिकल छपवाएंगे, और उल्टा इंडिया में बोलेंगे देखो इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए आपको मानना चाहिए। और हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे दिमाग में ये बस गया है कि जब गोरे लोग कुछ कहते हैं, विदेशी लोग कुछ कहते हैं, तो शायद वो सही बोलते हैं। हमारे यहाँ बनारस में इतने संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, जगह जगह भारत में भरे हुए हैं, मैं इतने हजारों, हमने अभी भारत की बात बनाया था, इतने लोगों से मैं मिला हूँ, मैं खुद एक संस्कृत के स्कॉलर का बेटा हूँ। हमने कभी वेद हमें स्कूल में कॉलेज में पढ़ाए नहीं जाते, कोई बच्चा कालिदास के बारे में जानता नहीं जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट राइटर रहा है, लेकिन शेक्सपियर हर बच्चा जानता है। हमको एब्सोल्यूटली फेक नैरेटिव के विष में हमको बांध दिया गया। अब आपकी क्या गलती, मैं आपको ये बताता हूँ एक चीज़, और ये एक चीज़ करते हैं, उसके बाद ये आपका आईपीआर डिस्ट्रॉय करेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि भारत से प्यार करता और भारत के लिए जीने मरने का काम करता है, उसके बारे में गलत उसकी बायोग्राफी लिखेंगे, उसके बारे में छोटी छोटी बात निकल के एम्पलीफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सावरकर, सावरकर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो थी भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी थी। लेकिन ये अंग्रेज लोग जिनके कपड़े विदेश में धुलने जाते थे और जिन लोगों ने इस देश में विष फैलाया है, आप देखिए उन लोगों के जगह जगह उनके नाम पे एयरपोर्ट्स हैं, स्टेडियम्स हैं, उनके नाम पे सड़कें बनी हुई हैं। और लास्ट, ये आपके करियर को चौपट करते हैं,
ये आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एक ऐसा गहरा नेटवर्क बना हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो रात को 3 बजे कोर्ट खुलवाते हैं, ये वही लोग हैं जो कि झूठ मूठ के दलित आंदोलन करवाते हैं, ये वही लोग हैं जो झूठ मूठ के किसान फार्मर आंदोलन करवाते हैं। अगली बार जब आपसे कोई बोले कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, एक ही सवाल उस इंटेलेक्चुअल से पूछिएगा, कहाँ कर रहे हैं, किस शहर में कर रहे हैं, किस गाँव में कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, पिछले 3 महीने में कितना किया, जरा बताओ, तो आप देखिएगा 1 सेकंड के अंदर वो भाग जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है भारत के लोगों का, मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लोगों का, हमने सिर्फ नौकरी के बारे में सोचा है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस राष्ट्र, हम बोलते रहे कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है और जो भी यहाँ है वो सब साथ हम चल के आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये इकोसिस्टम बनेगा कैसे। आप कैसे ये लड़ाई लड़ेंगे नैरेटिव की अगर आप इकोसिस्टम बनाना ही नहीं जानते। तो आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ ये इकोसिस्टम कैसे बनता है। नंबर वन, आप सिर्फ ट्विटर और फेसबुक में एक दूसरे को ट्रोल और गालियां देके नहीं बना सकते हैं, या आप सिर्फ कुछ नेताओं के गुणगान करके और दूसरों को गालियां देके नहीं बना सकते हैं। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, पर मैं आपको गारंटी करता हूं ये नैरेटिव नहीं खत्म होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क छुपा हुआ है। लेकिन हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम में ये ताकत है, हम में ये पैशन है, और हमारा जो इमोशन है अपनी कंट्री और अपनी सोसाइटी को लेके वो ऑनेस्ट है। नंबर वन, आप भारत के बारे में पढ़िए, भारत को समझने की कोशिश करिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानिए, अपनी फैमिली सिस्टम को समझिए, अपनी सोसाइटी के अंदर छुपे हुए जो नुआंस्ड जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको समझिए, भारत में घूमिए, हमारे टेंपल आर्किटेक्चर को समझिए, अपनी हिस्ट्री को पढ़िए, संस्कृत के विद्वानों से बात करिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सब एक साथ करिए, जो आप कर सकते हैं वो एक काम करिए, उसको पकड़िए, उसके बारे में लिखिए जितना लिख सकते हैं, भले कोई लाइक करे चाहे ना करे, क्योंकि जब आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूरे यूनिवर्स में डालते हैं तो धीरे धीरे वो एक नैरेटिव क्रिएट करता है। दूसरा, रिसर्च करिए। दो तरह के रिसर्च आप कर सकते हैं, एक अपने आसपास लोगों से बातचीत करके जगह देख के, और दूसरा एक साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। वो रिसर्च करने के बाद जैसी टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, उस पर आर्टिकल्स ब्लॉग्स लिखिए, पूरे के पूरे डिजिटल वर्ल्ड को भर दीजिए इससे। तीसरी बात, हो सके तो आप उस पर छोटी मोटी किताबें लिखिए। आजकल सेल्फ पब्लिश किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है हर आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे। आपके आसपास लोकल न्यूज़पेपर्स होंगे, अगर आपने अच्छी चीज़ लिखी है वहाँ छपवाइए। एवरीथिंग शुड कन्वर्ट इंटू सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, उन ग्रुप्स में ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते मिलें, उसको इतना एम्बिशियस भी नहीं बनाइए कि वो फेल हो जाए। जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, उनमें महीने में एक बार खुद अपने आपने जो पढ़ा है देखा है उसके बारे में बात करें। ऐसी किताब, ऐसा कोई आर्टिकल जो कि भारत के नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करता है वो पढ़िए, डिस्कस करिए, उस पर डिबेट करिए, ऑर्गेनाइज होइए, और इन सब लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट करिए जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद आप जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, फियरलेसली अपनी बात बोलिए और लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को समझ में तो आए इस देश की कितनी स्ट्रेंथ्स हैं। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। मैंने जब अर्बन नेक्सल लोगों पे अटैक करना चालू किया और उनको एक्सपोज करना चालू किया, आपने देखा उसके बाद कई सारे लोग जेल भी चले गए, और लगातार सरकार जो है अर्बन नेक्सल्स के पीछे पड़ी है, इसलिए ये लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं। एनजीओ जब बंद की तो आपने देखा, मोदी जी ने बताया था 15-20 हज़ार एनजीओ यूं करके चुटकी में बंद हो गई। और जब आप देखेंगे ये प्रोफेसर जो भरे हुए हैं हमारे पॉलिसी में, एजुकेशन में, इन पे अटैक होगा, सब देखेगा कैसे भागेंगे। तो इन लोगों ने मेरे को निशाना कैसे बनाया, इनने मेरे बारे में फेक आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, स्क्विंट स्क्विंट स्क्रोल प्रिंट, इस तरह के वायर, ये सब झूठे आर्टिकल्स इन्हें लिखने शुरू किए। एक मामूली सी बात अगर कहीं हो गई, मैंने गलती, ये कल ट्विटर में कहीं गलती से एक डेट गलत डाल दी, उसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों ऐसा कर रहे थे। ये सब इसलिए कर रहे थे ये लोग ताकि विकिपीडिया में जाके मेरे पेज को वैंडलाइज कर सके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए जितना वैंडलाइज कर सकते हैं, मैं लड़ूंगा, और मैं सबसे अपेक्षा भी नहीं करता हूं कि आप लड़ें। आप रोजी रोटी आपकी उस पर है, आप काम करते हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, लड़ाई का काम मुझ जैसे लोगों पर छोड़िए। लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके कॉलेज, आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को आप व्हाट्सएप में रोज़ सुबह जब नमस्कार या गुड मॉर्निंग भेजते हैं या ऊट पटांग चीज़ें भेजते हैं, उसके साथ दिन में कसम खा लीजिए 4 वेल ऑथेंटिकेटेड चीज़ें भेजेंगे।
आप विवेकानंद के आर्टिकल्स की फोटो खींच के भेज सकते हैं, श्री अरबिंदो के आर्टिकल्स की फोटो खींच के भेज सकते हैं, आप गांधी के आर्टिकल्स की फोटो भेज सकते हैं, आप अंबेडकर के आर्टिकल्स की फोटो भेज सकते हैं जिन्होंने खुद बोला था कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने गांधी और अंबेडकर के नाम के पीछे छुप के इस देश का जितना विनाश किया है, अगर इसको लेके भारत के यंग लोग आज जागरूक नहीं हुए तो मैं आपको कहता हूं अगले 15-20 साल में विश्व में तो हमारी दुर्गति होगी होगी, लेकिन यहां पे भारत से प्रेम करने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक सरकार आज है, कल्पना करिए कहीं किसी कारण से कुछ वर्षों बाद 5-10 साल बाद अगर समझिए एक फिर से कांग्रेस जैसी या कम्युनिस्ट थिंकिंग वाली सरकार आ गई तो आपके सर पे कोई छत नहीं बचेगी छुपने की। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, अभी अपनी कलम उठाइए, अभी सोचिए आप क्या कर सकते हैं एंड ट्राई टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। इन्वेस्ट, यू शुड डोनेट मनी टू पीपल हु आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स। जो लोग आपके लिए अपनी जान पे खेलने को तैयार हैं, जो लोग आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करके छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स चलाते हैं, मैगजीन्स चलाते हैं, जो लोग जा जा के जगह जगह स्पीच देते हैं, ऐसे हज़ारों लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो ये काम कर रहे हैं दौड़ दौड़ के, मैं अकेला नहीं हूँ, तमाम लोग कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करिए, कम से कम उनके साथ तो खड़े होइए, उनकी बात सुन के उसको डिसेमिनेट तो करिए, अदरवाइज़ ये इकोसिस्टम का सपना जो है बस ये 5 स्टार्स में लिटरेचर फेस्टिवल्स और कॉन्फ्रेंसेस तक सीमित रह जाएगा, जहाँ चंद लोग फोटो खिंचा के छापेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तभी सफल होगा जब आप अपनी एनर्जी भारतीय आर्ट, भारतीय लिटरेचर, भारतीय हेरिटेज और एक तरह के इंडिक रेनेसांस में इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरी आपसे एक बड़ी अपील है इस दिवाली पे, अगर आप भारत के बारे में किसी भी असत्य को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अपना सत्य पकड़िए और उस सत्य की तलवार लेके ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट, ये सारे के सारे अर्बन नेक्सल्स लोग, इनके ऊपर जिस तरह से राम ने रावण पे तलवार चलाई थी, आप भी उस पे तलवार चलाइए। मैं असली तलवार नहीं, मैं इंटेलेक्चुअल तलवार, मैं एक नैरेटिव की तलवार चलाने की बात कर रहा हूँ, वो तलवार चलाइए। आप सबको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे सत्यमेव जयते।